ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। किरोड़ी लाल जी ने मीणा समाज का सत्यानाश किया है। ओम प्रकाश हुल्ला यानी मीणा के घर भीड़ की रेड कराई। डॉक्टर दिनेश कुमार मीणा के यहाँ ACD का छापा करवाया। ये पीठ पे छुरा झोंकने की काम है, वार करना है तो छाती पे करो, कायर होता है जो पीठ पे वार। फोन उठा रहे पायलट साहब, आप कलाकार भी रहते हैं क्या? राजनीति की कितनी कलाकारी है? बुद्धिमान होना चाहिए राजनीति में, मूर्ख नहीं होना चाहिए। और पायलट साहब कलाकार कहते तो मुझे गर्व है इस बात का। गहलोत साहब मुझे जादूगर कहते हैं तो इससे मुझे गर्व है इस बात का। आदमी को सारी चीजें आनी चाहिए। राजनीति किस तरह से चुनाव किया जाता है, क्या मूर्ख आदमी चुनाव जीत सकता है? हम प्रत्येक ग्राम पंचायत हमने टच कर लिया है और सारी नगर पालिका नगर परिषद सब क्षेत्र में हमने कहीं पद यात्रा कहीं क्या सारी टच कर ली है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस बार कांग्रेस पक्ष से पूरा माहौल है। 36 कौम के लोग आज चाहते हैं और इस बार मोदी जी को हटाना है दिल्ली से और सबने सब डालेंगे। बहुत अच्छा मुद्दे रहने वाले हैं। हम तो मोदी गारंटी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ऐसा सबसे बड़े मुद्दे भारतीय है। ये जो मोदी जी खराब गारंटी, मोदी जी गारंटी हो जनता विश्वास खत्म हो गया। मोदी जी कोई बात जनता विश्वास नहीं करती। और जब मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर संविधान संशोधन की बातें करी है, उनकी भावनाएं गलत है, बेरोजगारी जबरदस्त है, राज्य सरकार में जो 4 महीने के अंदर जो राज्य सरकार का फेलियर रहा है, हमारी जितनी जनकल्याणकारी योजनाएं थी गहलोत साहब ने इम्प्रूव किया, हमारे डेवलपमेंट काम सब जगह पूरे लोकसभा क्षेत्र जबरदस्त थे, गाँव में भी थे, उन सब का तो स्लो किया है या बंद किया है। जनता 4 महीनों में इससे परेशान हो चुकी है। कांग्रेस पक्ष में दाखिल है बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ और लोकसभा क्षेत्र दौसा बड़ी हॉट सीट बन गई है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी आ गए, यहाँ मुख्यमंत्री भी आ गए, यहाँ उनके सचिव नेता मोदी जी भी आ गए। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह का जनता में जोश है, जितना इन्होंने ज्यादा राउंड किया तो भारी जनता में इतना ही ज्यादा कृषि वोट डालेगी और बहुत भारी मत से जीता है। प्रधानमंत्री के लिए आप लकी कहते हैं, क्यों लकी हैं? देखो प्रधानमंत्री 2018 मेरे चुनाव आए थे जब मैं 18,000 से विधायक का चुनाव जीता, 51,000 से विधायक का चुनाव जीता था और इस बार 23 में आए नहीं तो मेरे 70,000 वोट कम हो गए, मैं 35,000 जीता। अब मोदी फिर आ गया तो मैं पूरे और मेरे वोट गया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दो तीन सवाल और हैं। चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो संविधान शुरू हुआ था, लेकिन दो साल पानी का काम बहुत तेजी से चल रहा है, पानी का मुझे टाइम तो रोने का सुविधा हमने कर दिया। सब जगह गाँव में पाइपलाइन बिछ रही है, 500 टेंट रोके वो कोई मुद्दा नहीं है। ये तो बेवकूफ बना रहे बीजेपी वाले तो। और हमारा जो संविधान संशोधन का मुद्दा आज भी है, बेरोजगारी का मुद्दा आज भी है और मोदी जी की हिटलर साहब का मुद्दा आज भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई फोर्स को लेकर दूसरी तरफ सचिन पायलट ने पूरी तरीके से चुनाव रंग में नजर आ रहे हैं। जाकू ने रोड शो किया, चंद्रा भी वो आए थे और उसके बाद में आपके बांदीपुर में उन्होंने सभा की। देखो हमारे नेता भी प्रियंका जी बांदीपुर में आई थी, सचिन पायलट जी आए थे, अशोक गहलोत साहब सिकरा आए थे, सचिन पायलट जी का रोड शो था। हमारे रोड शो मोदी जी से बहुत 21 रहे और मोदी जी का कंप्लीट फेलियर रहा है। मोदी जी के खुद के रोड शो के अंदर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे थे, मोदी जी खुद देख करके धुंधला गए कि क्या चक्कर पड़ गया। दोस्तों एक दूसरी तरफ देखते हैं कमलनाथ बनर्जी हवाई सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है महुआ से कि अगर मैं महुआ से अब ये तो आप प्रॉब्लम ये पूछिए ऐसे तो उनकी पार्टी काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रहे हैं, अब ये सब रिजल्ट आया उसका पता लगा कौन क्या करता है। आप हमेशा कहते रहते हो तो शादी का बड़ा खैर हो, शादी दिन बड़ा याद रखना है सबको, पुराना ये बातें याद दिला रहे हो। ऐसा पिछला चुनाव जो हम हारे थे 19 का लोकसभा का शादी में हमारा नहीं हो पाया था, इस बार हमने हमारे सभी वोटरों से अपील करी है क्योंकि हमारे ग्रामीण मतदाता में इस टाइम शादी होती है, शादी ब्याह भी करें और जो भी खाएं पहले अपने मतदान लोग जागरूक है। बीजेपी से ज्यादा सीटें नहीं लगता है, 2 साल सीट राजस्थान में 1 नंबर पे जीतेगी और हो सकता है 9 सीटें पहले नंबर जीतेगी। मेहनत
गाजीपुर और खावदा की पवित्र धरती पर कांग्रेस को भारी मतों से जिताने का जो वादा किया था उसको पूरा करेंगे। कौन इस्तीफा देगा नहीं देगा, कौन राजनीति करेगा कौन नहीं करेगा, यह 4 जून तय करेगा और यहाँ की जनता तय करेगी। चुनाव के बाद में अपन ने कभी आमने सामने नहीं हुए सवाल में, लेकिन कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपके राजनीति मतभेद मान लीजिए मनभेद मान लीजिए किस तरह के देखकर उन्होंने जो कहा है किरोड़ी लाल जी ने मीणा समाज का सत्यानाश किया है। ओम प्रकाश हुड़ला यानी मीणा के घर ईडी की रेड कराई, डॉक्टर दिनेश कुमार मीणा के यहाँ ACD का छापा करवाया, ये पीठ पे छुरा झोंकने की काम है। वार करना है तो छाती पे करो, कायर होता है जो पीठ पे वार। फोन उठा रहे पायलट साहब, आप कलाकार भी कह रहे थे, क्या राजनीति के कितनी कलाकारी है? बुद्धिमान होना चाहिए राजनीति में, मूर्ख नहीं होना चाहिए। और पायलट साहब कलाकार कहते तो मुझे गर्व है इस बात का, गहलोत साहब मुझे जादूगर कहते तो इससे मुझे गर्व है इस बात का। आदमी को सारी चीजें आनी चाहिए, राजनीति किस तरह से चुनाव जीता जाता है, क्या मूर्ख आदमी चुनाव जीत सकता है? महुआ का चुनाव ये बड़ा चुनाव है, बड़े मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जाता है। आज 4 महीने में किस तरह गुंडागिर्दी फैल गई है, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है, यहाँ के लोग परेशान है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये तो ओम प्रकाश उन्होंने कहा, पायलट साहब ने मुझे सलाहकार कहा, ये तो एक गांव की बात है। संदीप मीणा, दो सार, राजस्थान।